तो फाइनली दोस्तों एनएसडीएल की तरफ से बहुत ही बड़ा गुड न्यूज आया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है पहले से ही अप्लाई करके रखे हैं तो उसको आप डिजिटली भी डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे केस में होता था कि आपका पैन कार्ड खो जाता था, फिर से लोग सरेंडर करते थे, फिर से आपको रीअप्लाई करवाना पड़ता था आपके पास पैन नंबर है या नहीं है। सिंपली दोस्तों अगर उसका स्लिप भी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, उससे भी आप अपने डिजिटल पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। या फिर से आपका पैन कार्ड पूरा खराब हो चुका है और आप चाहते हो कि डिजिटल पैन कार्ड को डाउनलोड करके और उसे हम लेमिनेशन करा के यूज करें, वो भी आप कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेरे को काफी ज्यादा यूनिक लगा। और सिर्फ आपको 8 रुपए 26 पैसे करीब करीब इसका पेमेंट ऑनलाइन करना है और इंस्टेंट आप दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सिंपली दोस्तों करना क्या है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। और ये जो दोस्तों है मेन वेबसाइट है एनएसडीएल का, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में आ गए तो 2 से 3 यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए। ई पेन डाउनलोड करने के लिए आपका 8 रुपए 26 पैसे का यहाँ पे टैक्सेस देना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों आप एक्नॉलेजमेंट जो नंबर होता है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ में अपना पैन नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है दोस्तों यहाँ पे आप डालोगे तो जो भी आप अप्लाई किए हो, और अप्लाई करने के बाद एक्नॉलेजमेंट जो नंबर होता है यहाँ पे आप डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा को डाल के सबमिट कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हो डायरेक्ट अपने पैन कार्ड के नंबर से डाउनलोड करने के लिए, अगर आपको पैन कार्ड मिल गया है, सिंपली आपके पास पैन नंबर है, पैन कार्ड खो गया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर दोस्तों यहाँ पे डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईयर डालेंगे, उसके बाद दोस्तों आई अंडरस्टैंड के ऊपर यहाँ पे दोस्तों है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कैप्चा को फिल करके सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिटेल्स आपके पैन कार्ड से अटैच होगा वो सारा दोस्तों यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ईमेल आईडी है नॉट प्रीफेड, यानी कि आपका ईमेल आईडी नहीं यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया है आप जब भी अप्लाई कराए होंगे। तो सिंपली आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड है आपके पैन कार्ड के अंदर, तो सिंपली आपका पैन नंबर आपका मोबाइल नंबर दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब आपका पिन कोड यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू रिसीव ओटीपी, यानी कि आप किसके माध्यम से अपने पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो। तो सिंपली अपने ओटीपी को यानी कि अपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर ईमेल आईडी अपलोड किए होंगे तो ईमेल आईडी को भी यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे ईमेल आईडी अटैच नहीं है। अब सिंपली करना क्या है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। आपके फोन नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि एनएसडीएल की तरफ से आएगा। सिंपली यहाँ पे अपने ओटीपी को डालना है, डालने के बाद सिंपली वैलिडिटी के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो पैन कार्ड जो है फ्री वाला यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आ चुका है, सिंपली आप इसको पे करके और यूज कर सकते हो। कंटिन्यू विथ पैड ई पैन डाउनलोड फैसिलिटी जो है सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इसको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नीचे में आएंगे और 8 रुपए 26 पैसे दोस्तों ऑनलाइन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, स्लाइड करके प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद पे कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पेटीएम वगैरह है जो भी वॉलेट है आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, अपने पेमेंट बैंक के थ्रू या फिर से अदर पेमेंट ऑप्शन जो है इस पे सिलेक्ट कर लेंगे, और जिस भी दोस्तों माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, पे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पे के ऊपर दोस्तों क्लिक करते ही देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको थोड़ा समय आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, इस तरीके से ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह आ जाएगा। सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसीव्ड, तो सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ई पेन दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है, और साथ में जो भी आपने पेमेंट किया था उसका पेमेंट का दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है। सिंपली डाउनलोड ई पेन के ऊपर आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे डाउनलोड ई पेन पीडीएफ जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है पीडीएफ में। उसके बाद इस तरीके से आपका ऑप्शन बन जाएगा, तो सिंपली इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, इसको मैं अपना पैन कार्ड लिख लेता हूँ। डाउनलोड दोस्तों कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इस पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। पीडीएफ फाइल को अपना सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2003, तो सिंपली 01/01/2003 आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ओपन के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिटेल्स होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोस्तों ई पेन के माध्यम से शो करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड